मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज सुबह के वक्त आप सबको प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर के असीम अनुग्रह के द्वारा आशा करता हूं कि आप भले चंगे हैं। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर। मेरे प्रिय लोगों, जो कुछ भी वो करता है वह आपके लिए सिर्फ भलाई कर सकता है। पिछले पूरे दिन परमेश्वर ने आंखों की पुतली की तरह आपको संभाला। आज के दिन भी आप देखिए, आपके साथ वह रहकर जो काम करने वाला है वह आपके आंखों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। प्रतिदिन हर दिन पवित्र आत्मा के साथ हम सफर कर रहे हैं ना, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या बताना चाहता है, तो आप परमेश्वर के वचन से हम उसे देखने वाले हैं। न्यायियों की पुस्तक 7वां अध्याय और 19वां वचन। और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। उस घड़ों के अंदर जो है दिया जल रहा था, और गिदोन ने उस दिन कहा, परमेश्वर की तलवार, गिदोन की तलवार जब हम कहेंगे तो आप सब मिलकर अपने घड़ों को तोड़ डालो। उस घड़ों को तोड़ डालते ही 300 लोगों का जो दिया था बाहरी रूप से दिखने लगा। जरा सोच के देखिए, दिया जो जल रहा था अब तक उस घड़ों के अंदर था, अब घड़ा तोड़ दिया गया है और वो उजाला जो बाहर आ गया है। ठीक इसी समय में एक और वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी आंखें बिल्कुल सुंदर रूप से खुल जाएंगी। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखे गए 2 कुरिन्थियों की पत्री 4वां अध्याय और 7वां वचन में, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। वही अभिषेक है। कभी कभी हमारा हृदय चकनाचूर हो जाता है परेशानियों की वजह से, मुश्किलों की वजह से। मैं आपको बताता हूं, उस समय में आप अपने हृदय को तोड़कर परमेश्वर के सम्मुख में जब रोओगे तो आपके अंदर का जो सामर्थ है वो साधारण सा सामर्थ नहीं, बल्कि शैतान जो आपके विरोध में परेशानियां उत्पन्न कर रहा वह जो है आपको छोड़कर भागने लायक पवित्र आत्मा का सामर्थ कर देगा। वही हो रहा था जब वे नरसिंगे फूंक कर घड़ों को तोड़ने लगे, तब चिल्ला चिल्ला कर जो है वो भागने लगे। तुम्हारे विरोध में उठने वाले कोई भी परेशानी हो, शत्रु में जो है तितर बितर होकर भागने लगेंगे। क्या आप भरोसा करोगे? उसका वचन ही हमारा भोजन है। यह एक भविष्यवाणी का वचन है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। आंखें बंद कीजिए और अपना सर नीचे झुकाकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से, अभिषेक के द्वारा ही हम छुटकारा पा सकते हैं, अभिषेक के द्वारा ही हम जय प्राप्त कर सकते हैं, अभिषेक के द्वारा ही हम, हे प्रभु, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जय प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन जो तेरे बच्चे जय प्राप्त करते रहे, उसको सुरक्षित रखें आत्मा प्राण शरीर में, आर्थिक स्थिति में, शारीरिक चीजों में, व्यक्तिगत जिंदगी में। आज का दिन जयवंत का दिन बना रहे। इस प्रार्थना को हे प्रभु तू सुनकर उत्तर देने वाला है, तेरी तेरी स्तुति हो। घर के सभी लोगों पर तेरा अनुग्रह बना रहे, घर में शांति बनी रहे सदा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। सचमुच प्रभु आपको एक जय का जीवन आज देने वाला है। परमेश्वर की स्तुति हो। बिना भूले आप अपने दोस्तों को उसे जरूर शेयर करें, इन संदेशों को। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी आपके द्वारा। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।